इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के बूथ में आज जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के अभियान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से सभी लोगों का अवगत कराया गया। आगामी होने वाले उपचुनाव की तैयारी को लेकर भी बात की गई। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। कांग्रेस ने हमेशा षड्यंत्र किया और इसमें सबसे ऊपर नाम दिग्विजय सिंह जी का है। जिस तरीके से कमलनाथ जी के राज्य में शराब की दुकानों की संख्याएं बढ़ रही थी, उस वक्त शिवराज जी ने एक बयान दिया था, उस बयान को काट कर और एज ए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का बयान है, दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया। मैं समझता हूँ कि एक सीनियर लीडर को इस प्रकार अविश्वसनीय काम नहीं करना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगना चाहिए। यदि उनके स्टाफ ने किसी ने गलती की है तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, पर इस प्रकार के ऑडियो वीडियो जनता के बीच में लाकर भ्रम फैलाएं, मैं समझता हूँ इस प्रकार की हल्की राजनीति से कांग्रेस को बचना चाहिए। लेकिन सर, दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि वोट पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए शायद किसी राजनीतिक दल का पहला बलिदान था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था और भारतीय जनसंघ का था। और इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जनसंघ ने या भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश के लिए राजनीति की। मोदी जी कहते हैं देश पहले दल बाद में, तो हमने हमेशा देश के लिए बात की, देश के लिए काम किया और देश के लिए निर्णय लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। 2.0 का कार्यकाल रहा, किस तरीके से रहा और जनता के बारे में क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कुल मिलाकर मोदी जी की सरकार को 6 वर्ष हुए हैं। 5 वर्ष में एक जो खब्बू बल्लेबाज होता है ना, राहुल द्रविड़ जैसा, वो पहले पिच देखता है, बॉलर की बॉल की गति देखता है, उसके बाद फिर जम के बल्लेबाजी करता है। 5 साल में मोदी जी ने पैर जमाए और 6वें वर्ष में वो सारे काम किए जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती थी, जिस विचारधारा के कारण भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती थी, चाहे वो धारा 370 हटाने का विषय हो, चाहे 3 तलाक वाला विषय हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, इन सब बातों पर जिस तरीके से निर्णय लिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि 2020 इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।